मजे के दीवाने हैं, अब तो सब ही खाते हैं, बेक पार्लर सब ही खाते हैं। बेक पार्लर इटालियन रेंज स्पेगेटी बनाओ राज के खाओ, मैक्रोनी का भी मजा उड़ाओ, स्पेगेटी मैकरोनी और लज़ानिया की मजेदार वैरायटी, बेक पार्लर अब तो सभी खाते हैं। मजे के दीवाने हैं, अब तो सभी खाते हैं, बेक पार्लर सभी खाते हैं, स्पेगेटी बनाओ राज के खाओ, मैकरोनी का भी मजा उड़ाओ। स्पेगेटी मैकरोनी और लज़ानिया की मजेदार वैरायटी, बेक पार्लर अब तो सभी खाते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका शेफ महबूब खान और ये है आपका फेवरेट कुकिंग शो बेक पार्लर, अब तो सभी खाते हैं। प्रीवियस प्रोग्राम्स की तरह इस प्रोग्राम में भी हमने एक सेलिब्रिटी को इनवाइट किया है, टीवी से रिलेटेड है, बहुत अच्छी फनकारा हैं और इनके बारे में जो मुझे पता था वो तो काफ़ी सारे चैनल्स पर काम करती हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन उनसे लेंगे। वेलकम करते हैं बीनेश चौहान को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप? आइए, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ महबूब। आज आप क्या बनाना सिखा रहे हैं हमें? आज आप क्या खाना चाह रही हैं? मैं आज फिश। फिश पसंद करती हैं? वैसे भी सी फूड पसंद करती हैं, जस्ट फिश? फिश, लेकिन आज देखते हैं आप कौन से स्टाइल से बनाना सिखा रहे हैं हमें। अच्छा, आज की हमारी डिश जो है वो है दम की हुई, यानी स्टीम्ड फिश होगी और मसाला दम मछली। बेसिकली पाकिस्तानी डिश है, लेकिन इसको हम बेक पार्लर के शेल पास्ता के साथ कुक करेंगे और आप देखिएगा किस तरह की हम इसकी फ्यूजन करेंगे। थोड़ा सा इसको हम चेंज करेंगे कुछ पाकिस्तानी स्पाइसेस के साथ और यू विल लाइक द एक्सपीरियंस, आई एम श्योर। इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्टेप में हम फिश लेंगे। अच्छा, ये फिश जो हम ले रहे हैं ये कॉमन है, पीसेस किए हुए हैं, हाँ बोनलेस है, बोनलेस फिश है और ईजिली मिल जाती है। बैक्टी फिशेस को कहते हैं। बेसिकली कोई भी फिश आप ले लें, रेड स्नैपर मार्केट में अवेलेबल है और रोहू सुरमई वगैरह, लेकिन बोनलेस हो जिस तरह ये हम फिश ली हुई है, ये भी बिल्कुल बोनलेस है, इसमें कोई कांटा नहीं है। और ये हम ले रहे हैं ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स का पीस थे, इसको हमने क्यूब में काट लिया है। ठीक है जी, इतनी बड़ी क्यूब्स काट ली इसकी और अब एक बॉल में हम इसका मैरिनेशन बनाएंगे, विच इज़ द मेन थिंग। उसके लिए हम ये देख रहे हैं काफी सारा हमने दुकान लगाई हुई है, मजे मजे के कुछ मसाले रखे हुए हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून और चॉप किया हुआ लहसुन 1 चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच। अच्छा, ये जो चिली है ना ये मुझे कुछ अरसे पहले मिली है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत यूज़ करने की। तो ये इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून और धनिया पाउडर ये भी 1 टीस्पून। अजवाइन हम जब भी फिश यूज़ करते हैं, फिश कभी बनाएंगे, दिस इज़ वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स, यानी बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन बनता है फिश के साथ। ये भी हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून और इसमें हम डालेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून, लेमन जूस इसमें डालेंगे 4 टीस्पून। ज़्यादा डालेंगे इसकी वजह ये है कि फ़िश के साथ लेमन की भी कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी बनती है। चलिए आज मैं भी फिश बनाना सीख लूँगी। और इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, वेरी गुड फॉर हेल्थ, थोड़ा सा हम डालेंगे बिल्कुल, और साथ में ही हम इसमें थोड़ा सा जिंजर यानी अदरक चॉप करके डाल देंगे। ये हो गया चॉप्ड जिंजर, ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे। और
अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे हाथ से, ये क्यूब्स इसमें हम डाल देंगे, इनको मैरिनेट करेंगे आधे घंटे के लिए और उसके बाद हम इस फिश को स्टीम में पकाएंगे। आई थिंक स्टीमर में काफ़ी हद तक स्टीम बन चुकी है और अब फिश को रख देते हैं इसमें स्टीम करने के लिए। बस मेक श्योर जब इसको आप लेट खोलें बहुत एकदम स्टीम आती है, तो जस्ट पीछे रहें थोड़ा, ये तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और अगर हिट कर गई प्रॉपर हैरिट, तो ये एक एक पीस आप पूरा इस पे हाँ फैला के रख देंगे जी, जी, ना? अलग थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसको हम कवर कर देंगे ताकि दोबारा इसमें स्टीम, और इसको 15 मिनट भी हो चुके हैं और इसको अब हम एक तरफ कर देंगे ताकि हम इसके फर्दर प्रोसेस की तरफ आएं। सेकंड प्रोसेस जो इसका है बहुत सिंपल है और इतनी मेहनत का काम नहीं है, हमें सिर्फ ये करना है कि जो इतना इसका जो बाकी का जो हाँ बिल्कुल ये कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, ये हम एक पैन में डाल लेंगे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे लिटिल बिट। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ठीक है जी, और साथ में ही ये कैप्सिकम क्यूब में कटी हुई और ये भी इसमें आ जाएगी और रेड चिलीज, ग्रीन चिलीज भी अवेलेबल होती है मार्केट में, ये नहीं मिले तो वो डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे चॉप किया हुआ, रफली चॉप किया हुआ धनिया और अब इसमें हम डाल देंगे बेक पार्लर का शेल मैकरोनी पास्ता जिसको हमने 5 मिनट पानी में पहले से बॉईल कर लिया और थोड़ा सा ऑयल लगाया ताकि चिपके नहीं एक दूसरे के साथ। इसको हम इसमें मिक्स करेंगे, आई थिंक ये आर ऑलमोस्ट रेडी विद द डिश। बन गया? बिल्कुल बन गया। वेट कर दिया, कुछ और भी होना है? नहीं नहीं, डन। एक प्लेटर ले लेते हैं और उसमें हम ये पास्ता सारा निकाल लेते हैं। ये बहुत ही नाजुक मछली हो गई है, स्टीम हुई हुई है, इसकी कोटिंग ऊपर कोई नहीं है। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अदरवाइज इसमें टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये फिश सारी की सारी हम लेके इसके ऊपर अरेंज कर लेंगे और लेकिन आराम आराम से, जल्दी नहीं करेंगे अदरवाइज सारी टूट जाएगी। मसाला दम मछली, इसके लिए आपको अज्जा दरकार है सोहा फिश 200 ग्राम, नमक 1 टीस्पून, लहसुन 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, देगी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, सफ़ेद जीरा 1 टीस्पून, लेमन जूस 4 टीस्पून, ऑलिव ऑयल 2 टीस्पून और अदरक बारीक कटी हुई 1 टीस्पून। पास्ता के लिए आपको अज्जा दरकार है बचा हुआ मसाला, पीली शिमला मिर्च आधी, पानी आधा कप, लाल मिर्च 2 अदद, अदरक 1 टीस्पून, हरा धनिया 2 टीस्पून और बेक पार्लर शेल मैक्रोनी पास्ता 100 ग्राम।